हेलो दोस्तों, मैं आपको कहता कहता थक गया कि गेल इंडिया एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। हाँ, हो सकता है जिस टाइम आप देखो इस वीडियो को, हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन आए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन मैं कहते कहते थक गया कि जो ये करेक्शन आ रही है ना, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, लेकिन आपने उसे मिस कर दिया। सेम यही चीज मैंने आपको कही थी, किस कंपनी में, वो कहा था IRCTC में। IRCTC आपको बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है, ये कहते कहते थक गया मैं। आप चाहे तो हमारे लास्ट वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, देखो IRCTC ने क्या मौका दिया है। लेकिन डोंट वरी, IRCTC ना आपको अभी भी यहाँ पे मौका दे रहा है 1100 के लेवल टच करने के लिए, तो आप IRCTC पे बुलिश रह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे IRCTC और गेल इंडिया की बात करने नहीं आ रखे हैं, हम आ रखे हैं दोस्तों यहाँ पे बात करने के लिए एपटेक लिमिटेड के बारे में। सो डोंट वरी, अब हम एपटेक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एपटेक लिमिटेड, आपको पता है यार एपटेक एक ऐसा शेयर है ना, क्योंकि एडटेक कंपनी में बहुत ही अच्छा शेयर है और आप में से हर एक के पोर्टफोलियो का ये हिस्सा होगा। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, इसके आप सीधे आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहां पे आपको देखने को पड़ेगा जो दिसंबर क्वार्टर था। हम रिटेलर्स की एक थिंकिंग बता रहा हूँ मैं आपको, दिसंबर 2023 यानी Q3 में यहाँ पे FIs की जो होल्डिंग है ना, वो आपको देखने को मिलेगी 1.51%। अब ऐसे क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले सितंबर क्वार्टर में FIs की होल्डिंग थी तकरीबन 5.5% की, जो घटके हो चुकी है 1% की होल्डिंग। किस कंपनी में, आपका एपटेक लिमिटेड पे। आप ध्यान में दीजिए, FIs ने यहाँ पे 4% की होल्डिंग कम की है और हम ठहरे हम रिटेल्स, यहाँ देखो ना 46% की होल्डिंग थी यार सितंबर में, वो होल्डिंग यहाँ से 50% की हो गई। क्या कर रहे हो तुम? हाँ मुझे पता है, मैं भी कई बार इस कंपनी को अब डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना आपके लिए जरूरी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे FIs ने अपना स्टेक ऑफलोड किया है, वो यहाँ से बाहर निकले हैं एपटेक से, उसके रीजन भी बताऊंगा कि क्यों निकले हैं और अब हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करूंगा, इसके टेक्निकल्स भी और आपके लिए क्या लेवल अब वॉच आउट करने की जरूरत है और क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कितने टाइम में। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले चीज देखो, एपटेक कंपनी जो है ना, कोई बुरी कंपनी नहीं है। पहली चीज आप इसके प्रोज एंड कॉन्स पे आप देख लीजिए, एक बिना आपको यहाँ पे कॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, प्रोज की भरमार है यार, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, जो कंपनी का ये थोड़ा सा नेगेटिव है ये आगे डिस्कस करूंगा, CAGR ग्रोथ अच्छी दिखाई है, डिविडेंड येल्ड भी है, हालांकि इस बार कोई डिविडेंड नहीं दिया है, डेटर के ड्यूज भी इम्प्रूव हुए हैं, यानी प्रोज एंड कॉन्स तो काफी अच्छे में देखने को मिले हैं। लीडिंग कंपनी है दोस्तों, मुझे नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है, मार्केट कैप आपका अच्छा खासा है, NIT के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि दरअसल अभी हाल फिलहाल में एपटेक के शेयर में कितने परसेंट का फॉल हमें देखने को मिल चुका है, ऑलमोस्ट 55% का फॉल देखने को मिल चुका है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ अब आपको, अब पता चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ आपको नोट करनी है। पहली चीज, अभी आप देखोगे ना शेयर में हमें कितना परसेंट का फॉल देखने को मिल रहा है, अपने हाई से तकरीबन 51% का फॉल। इससे पहले लास्ट टाइम जब ये फॉल आया था, कब आया था, एक साल पहले, तब कंपनी के शेयर में ऑलमोस्ट 56% का फॉल हमें देखने को मिला। हालांकि अभी जो फॉल है वो 50% का है, हो सकता है यहाँ पे 1-2% की गिरावट और देखने को मिले, लेकिन ऑलमोस्ट वही हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल चुका है। देन उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, तकरीबन आप देखोगे 150 रुपये का शेयर आपका कितना टच करके आया, ऑलमोस्ट 300 रुपये, ऑलमोस्ट 400 रुपये यहाँ पे टच करके आता है। इतनी बड़ी रैली देखने को मिली हमें 50% डिस्काउंट के बाद। इससे पहले भी एक बार हुआ था जब कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट कितना टूट चुका था, 83% का फॉल दिखाया था। ये अप्रोक्सीमेट बात है आपकी 2020 एंड 19 के आसपास की। लेकिन उसके बाद अगर आप इस शेयर के रिकवरी देखोगे और तेजी देखोगे इस शेयर में, तो आपको पता चलेगा शेयर 400 रुपये टच करके आया, कहाँ आपके 100 रुपये से लेके। तो ये शेयर आपको हर टाइम टू टाइम में एक बड़ी करेक्शन देता है, लेकिन अब हमें लगता है कि दोबारा से वही उसी जोन में आ चुका है जहां से वो करेक्शन रिवर्स हो सकती है। लेकिन उसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है अगर कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं सुधरती है तो, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। क्यों? कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए या जो सेल्स थी ना, वो 100 करोड़ की रह गए एज कम्पेयर टू सितंबर में, जहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू था 109 करोड़ का आया था, तकरीबन 9 करोड़ का यहाँ पे क्या हुआ है, सेल्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिली है, जिसका सीधा सीधा असर कहाँ पड़ा, अर्निंग पर शेयर पे पड़ा, जहाँ पे कंपनी एक शेयर पे 2 रुपये कमा पा रही थी, वहीं पे ये जो आंकड़ा है वो गिर के कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 रुपीज हो चुका है। तो कंपनी की सेल्स अगर यहाँ से नहीं बढ़ती है ना, तो कंपनी के लिए ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ से निकल के आता है दोस्तों। तो आप ध्यान में रखिए, अगर कंपनी के, अभी देखो ये शेयर ना थोड़ा सा कंसोलिडेट मोड में ही रहने वाला है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। हाँ, ये अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताता हूँ, एज्यूम कीजिएगा अगर शेयर प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में चला जाए ना, ये मान की चीज चलिए कि इस बार कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट आएंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली अच्छे आने वाले हैं,
एज कम्पेयर टू दिसंबर क्वार्टर एंड एज कम्पेयर टू सितंबर क्वार्टर, इन दोनों क्वार्टर के कंपेरिजन में काफी अच्छे रिजल्ट कंपनी यहाँ पे डिलीवर कर सकती है अगर शेयर प्राइस यहाँ से बूम करता है तो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर शेयर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है अभी कुछ टाइम, तो ये एक्सपेक्ट जरूर कर लीजिएगा कि हो सकता है शेयर के जो कंपनी है इसका रेवेन्यू आपको कुछ खास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए ना देखने को मिले, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है ना वो रिटेल कैटेगरी से आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% का जो रेवेन्यू आता है वो रिटेल से आता है और 30% और वो भी कहाँ से, डोमेस्टिक रिटेल से आता है, और जो 30% है वो इंटरनेशनल लेवल से यहाँ से यहाँ पे रेवेन्यू आता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कंपनी की सेल्स पे और Q4 के रिजल्ट आने के, उसमें भी बहुत टाइम है, उसके लिए हो सकता है आपको यहाँ पे शेयर में नॉर्मल आपको कंसोलिडेशन चलते हुए देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये शेयर प्राइस आफ्टर अप्रैल टू मई, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मई मंथ, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल भी इससे पहला भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि अप्रैल टू मई में ये शेयर एक रैली हमें दिखा सकता है। अगर आप एक थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर हैं या अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो कि ऐसे शेयर को पिक करता है जो कि अपने लो पे होता है, यानी अगर लॉस को आप पकड़ने की कोशिश करते हो, तो आप इसमें एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि शेयर ऑलमोस्ट अपने हाई से 50% टूट चुका है। लास्ट टाइम 56 टूटा था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3x से 4x हो गया था, देन यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ हो। तो अगर आप बॉटम आउट पकड़ने की कैपेबिलिटी रखते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तभी जाके आप इस शेयर में एंटर होइए, अदरवाइज आप इसे प्योरली यहाँ पे क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए दोस्तों, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस डे बाई डे क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही वीक हमें देखने को मिल रही है। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं सुधरती है तो ये शेयर आपको दोबारा से 200 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ ध्यान में रखना है 220 से 230 रुपये का लेवल। हालांकि शेयर तो ऑलमोस्ट 206 रुपीज़ तक गया था, कोई बात नहीं गया था, डोंट वरी, लेकिन आप मेंटेन करके चलिए 220 से 230 का एक SL, इस बीच में अगर शेयर प्राइस रहेगा तो आपके लिए अच्छी बात है। अदरवाइज देखो अपसाइड की तो मैं कुछ कह नहीं सकता यार, क्योंकि मेरा जो लास्ट टाइम का टारगेट था जो SL था वो 240 के आसपास का था, 250 का था, लेकिन वो ब्रीच हुआ और शेयर 200 रुपये तक आपको जाते हुए देखने को मिला। तो इसलिए कहते हैं SL का यूज़ जरूर करना चाहिए। हालांकि मैंने आपको बताया अपसाइड तभी पॉसिबल है जब ये शेयर 268 का लेवल यहाँ से ब्रीच करेगा, और सबसे बड़ी रैली तभी आएगी जब शेयर 300 के ऊपर जाएगा। तो आप ये ज़ूम कीजिए कि अगर आप बॉटम आउट पकड़ना चाहते हैं किसी स्टॉक का, तो ये मौका है आपके लिए एक बॉटम आउट पकड़ने का, लेकिन सारे के सारे आपके रिस्क कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होने वाली है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे तो एक बार अपनी रिसर्च और कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एपटेक लिमिटेड के बारे में। अगर किसी शेयर के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कंसर्न हो, आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम जरूर आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे।